सलामी जोड़ी मैदान केवल प्रदीप पाया आइए पहले ओवर की शुरुआत में हम सुनने जा रहे हैं एक नई आवाज को, वो है अली खरवे। बिल्कुल लगता है एमजे स्पोर्ट अपनी किस्मत को मात देने जा रही है, बहुत दिलचस्प होगा। अगर कर देती है तो मैं समझता हूँ आज जो सबसे ज्यादा खुश होंगे वो एमजे शेख रहेंगे। फैसल अंसारी पहली ओवर लेकर आते हुए, पहली गेंद फैसल अंसारी, एज लगता हुआ और गेंद पीछे निकलते हुए चार रनों के लिए। तो इस वक्त दो रनों का पेनल्टी दिया गया है एमजे स्पोर्ट को, उनका 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में नहीं है। तो ये दो रन हम एक ओवर के बाद ऐड कर देंगे आर्यन इलेवन भादवाल के खाते में। एक बॉल चार रन फैसल अंसारी, दूसरी बॉल लेके देखिए अली, पहली बॉल पर मौका था लेकिन वहां पर अशोक वर्मा ने मौका भी दिया और साथ ही साथ चौका। दूसरी बॉल लेके बहुत ही बढ़िया गेंद, फैसल अंसारी की दूसरी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद डाली थी। ये देखिए रिदम में आ रहे अली खरवे, तीसरी गेंद लेके फैसल अंसारी, काफी अच्छा ड्राइव लगाया है कवर की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा। बिल्कुल अली खरबे लगता कुछ जरूरियात आ गई है उसके लिए चले गए। इस बार गेंद हवा में, विजय उसके नीचे, एक पहला सफलता यहां पर हासिल करते हुए फैसल अंसारी जो इस सीजन में गेंदबाजी कर रहे हैं बहुत ही भारी। और जो उत्तर भारतीय ट्रॉफी इसी मैदान पर खेली गई थी, जो उत्तर भारतीय टूर्नामेंट था 8 टीमों का बिल्कुल ओपन कैटेगरी में, उसके बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे और हैट्रिक विकेट लिया था। और हैट्रिक विकेट इन्होंने किसको आउट किया था, अहमद अंसारी, मतीन खान, उमर खान और इन बड़े बल्लेबाजों को इन्होंने हैट्रिक विकेट लिया था, एक बहुत बड़ी बात। और फैजान को भी आउट किया था। नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त, नए बल्लेबाज हैं इस वक्त संदीप, प्रदीप आउट होकर पवीनियन लौट चुके हैं। देखिए हमद प्रदीप की, प्रदीप की मैं अगर बात करूं, पिछले साल एक टूर्नामेंट जो काटाई के मैदान पर खेला गया था सभापति चषक का, उसकी फाइनल विनर थे आर्यन इलेवन भादवाल, उसके बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे प्रदीप। लेकिन इस सीजन बिल्कुल अपनी लय में नहीं नजर आ रहे हैं और अब उनसे बल्लेबाजी करवाने की कोशिश कर रही है आर्यन इलेवन भादवाल। स्ट्राइक पर है केवल आर्यन इलेवन के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज। अगली गेंद, बल्ला चलाया, बहुत अच्छी गेंद, उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, रन आउट का मौका था लेकिन फैसल अंसारी उसे भुना नहीं पाए। एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7-7 रन। देखिए इस वक्त रन बने हैं 7, कमेंट्री में निभा रहे हैं मजहर खान मेरा 7। देखना है किसका कितना रहेगा 7 और किस टीम का होगा आखिरी में कितना विकास। इस वक्त एमजे स्पोर्ट लगाई हुई है आस के हम होंगे पास। फैसल अंसारी एक बार फिर से मुड़ते हुए, राइट आर्म और द विकेट संदीप के लिए,
गति में परिवर्तन, हल्के हाथों से खेला, चिराग गेंद के पीछे आते हुए एक बना दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन खतरे को महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को रोका। एक से सहमत, एक की मदद से टोटल स्कोर है 8 runs एक विकेट के नुकसान पर। देखिए एक ओवर के बाद रन बने 8, बांध लीजिए इस बात की गांठ कि कल एफए ट्रॉफी का खेला जाएगा मेगा फाइनल। कल हमें देखने क्या कोई नया चैंपियन मिलेगा या फिर कोई टीम एक बार फिर से इतिहास को दोहराएगी। अभी तक इस सीजन में 2 टीमें ऐसी चैंपियन बनी है जो आज तक कभी टूर्नामेंट नहीं जीती थी, एक अंजुमन स्पोर्ट, दूसरी संयुक्त स्पोर्ट। और बिल्कुल अरकान का ऐसा कहना है कि अगले साल वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे पोनियर बी को और एक टूर्नामेंट तो जीत कर जाएंगे। तो अब उम्मीद जताई, आइए अगले ओवर की कहानी हम सुनेंगे अरकान की जुबानी। और नए गेंदबाज विजय आते हुए और कैच का मौका और ये बहुत ही बढ़िया कैच लेते हुए एमजे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी और दूसरा विकेट गिरता हुआ आर्यन स्पोर्ट्स भादौड़ का संदीप बैक टू द पवेलियन। ये देखिए एक रन बनाकर मत, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, पुनियर बी में आपने कितने हीरे छुपा कर रखे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अली खरबे कमेंट्री के लिए आए, पहली बार मर्तबा कमेंट्री करते थे कि लाइव कमेंट्री करना आसान काम नहीं होता, लेकिन शुरुआती एक दो बॉल में ऐसा लगा कि वो नए हैं लेकिन उसके बाद वो रिदम पकड़ रहे थे, लेकिन कुछ मसरूफियात के कारण वो लौट गए क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक अहम हिस्सा है। अब अरकान आए, अरकान भी अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं, मेरी बिल्कुल बगल में बैठे हुए सर अरफात पवार जो बहुत अहम हिस्सा है पोनियर बी का। बिल्कुल शोल्डर इंजरी की वजह से एक्शन में नहीं नजर आ रहे हैं वो। आर्यन स्पोर्ट्स भादौड़ का 8 run। और ये डेड बॉल, बिल्कुल बल्लेबाज तैयार नहीं थे, आखिरी समय पर हट गए, यही कारण था कि अंपायर ने डेड घोषित किया। वहां पर चिराग थोड़े से नाराजगी दिखाते हुए विजय, ओ बढ़िया गेम, अंपायर टस से मस नहीं। विजय केवल के लिए, ओ उड़ा दिया 6 run। ओहो ये देखिए अब अरकान भी अपने अरकान को पूरा करते हुए 6 run। क्या शॉट खेला था, बिल्कुल एक वक्त के लिए लगा नहीं कि यहाँ पर कमेंट्री अरकान कर रहे हैं, ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा कमेंटेटर हमारे बीच मौजूद है। दो अच्छी गेंदों के बाद विजय ने एक 6 खाया। आर्यन स्पोर्ट्स भादौड़ का रन होते हुए 14। मैच की शुरुआत करनी है एमजे स्पोर्ट्स। देखिए समय का ख्याल रखना है खेलने वाली दोनों ही टीमें, बॉल अगर आप सिलेक्ट करें तो जल्द से जल्द बिल्कुल सिलेक्ट करें क्योंकि अभी और 4 मैचेस का खेला जाना बाकी है।
और वक्त तो मानो ऐसा है कि बंद मुट्ठी में रेत है, पिसलते ही जा रहा है। विजय फिर से केवल के लिए मुड़ते हुए, अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक करते हुए छक्का खाने के बाद विजय। देखना है अगली दो गेंदों पर क्या होता है। और ये विकेट गिरता हुआ केवल का, काफी अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद पवेलियन लौटते हुए। देखना है अगले बल्लेबाज अब कौन आते हैं। 7 रन बना के केवल फिर से पवेलियन में लौटते हुए, जिसमें एक शानदार छक्का दिया था। विजय बल्लेबाजी के लिए आते हुए आर्यन स्पोर्ट्स भादौर की तरफ से, जो कि विजय का ही सामना करेंगे आखिरी बॉल लेकर। देखिए 2 रनों का जो पेनल्टी है, एक इनिंग के बाद हम ऐड कर देंगे आर्यन 11 भादवड़ के खाते में। अभी तक 2 रन पेनल्टी के ऐड नहीं किए गए एमजे स्पोर्ट, आपको ख्याल रखना इस बात का, हम इनिंग के बाद ऐड करेंगे। विजय तुषार के लिए बढ़िया गेंद। देखिए अरकान, मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं, ये तुषार वही है जिन्होंने संयुक्त स्पोर्ट के सामने 6 बॉल में 6 रन नहीं खर्च किए थे, लेकिन गेंदबाजी इन्होंने बहुत कमाल की थी। लेकिन जो सबसे बड़ा हाथ था वो संदीप पाटिल का था, मैच के बाहर से अपनी टीम को मैच जिता दिया था। और मैं तो समझता हूँ उस मैच को वैभव अल्लाड़ कभी नहीं भूल पाएंगे जो कटाई के मैदान पर घटा था। विजय अच्छी बॉलिंग करने के बाद सिर्फ 6 रन दिए आर्यन स्पोर्ट्स भादौड़, 14 रन। देखना है गेंदबाजी पर अगले कौन आते हैं। चिराग, विजय के लिए। ओ बल्ले के करीब से जाती हुई गेंद, चिराग विजय के लिए। ओ स्लोअर वन थी ये, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए चिराग अपनी टीम के लिए अभी तक कोई भी रन खर्च नहीं किए। देखिए समीर स्पोर्ट पिंपलगर के कैप्टन और अर्नव इंटरप्राइजेस जो बिल्कुल सुबह से इंतजार कर रहे हैं आपको टॉस के लिए आना है। काफी बढ़िया गेंद, देखना है क्या इशारा आता है अंपायर का। अंपायर टस से मस नहीं, लेग बाइस। आर्यन स्पोर्ट्स भादौड़ का 15 रन लेग बाइस की मदद से। चिराग काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे, हाथ खुलने का मौका नहीं दिया है, ये अनोखे अंदाज में शॉट खेला था, मिसफील्ड होती हुई और 2 रन। बिल्कुल अब तो ऐसा लग रहा है कि अरकान हमें चुनौती पेश कर रहे हैं। ये देखिए अभी अभी हमसे जुड़े हैं जीशान मिर्जा, बहुत गजब की लय में है इस सीजन, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी मैदान पर उत्तर भारतीय ट्रॉफी के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। वेलकम जीशान मिर्जा, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और हम्माद अंसारी, जब से इनकी शादी खाना बादी हुई है तब से तो ये अलग लय में नजर आ रहे हैं। वेलकम जीशान मिर्जा।
चिराग बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त तीसरे ओवर में। अब तक बहुत किफायती गेंदबाजी हम उनकी तरफ से देख रहे हैं। अगली गेंद इस बार शॉर्ट आर्म पुल खेलना चाहते थे, उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, वहां पर चेतन मौजूद थे। ये देखिए ओवर थ्रो, दो रन पूरे हुए थे, तीसरे के लिए जाएंगे। लुकमान का अच्छा बैकअप, दो से ज्यादा कुछ भी नहीं। चिराग काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मिस फील्ड की वजह से कुछ रन आए, 20 रन। तीन ओवर के बाद टोटल स्कोर हम देखे तो 20-20। अब यहाँ से आर्यन स्पोर्ट्स भादौड़ को जो है बड़े बड़े शॉट खेलना होंगे और जाके बड़ी चुनौती पेश करना होंगी एमजे के सामने। रसम काफी मेहनत करने के बाद लौटते हुए देखना है पारी का आखिरी ओवर लेकर कौन आते हैं। विक्की एमजे के लिए आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं विक्की, देखना है आखिरी ओवर में क्या होता है। दो सेट बल्लेबाज जो है पिच पर अभी भी मौजूद है। तुषार, विक्की तुषार के लिए। बढ़िया गेंद और ये डंडा जाता हुआ शहर करने, बोल्ड। विजय दो रन बनाकर पवेलियन लौटते हुए, काफी खतरनाक गेंद थी, स्टंप डायरेक्ट भेज दिया शहर करने के लिए। अगले बल्लेबाज आयुष्कार आते हुए, देखना है आयुष्कार पिच पर आके क्या करते हैं। पहली बॉल काफी अच्छी डाली थी विकी ने, जो कि पहली गेंद पर विकेट हासिल किया अपनी टीम के लिए। देखना है आखिरी पांच गेंदों पर क्या होता है। आयुष्कार एक और डॉट गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विकी, अब तक कोई भी रन नहीं दिया है, बैट्समैन को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया है। और ये अच्छा शॉट और ये कैच पकड़ते हुए दूसरी अटेम्प्ट में कैच को लिया, और अब तक के विकी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई रन नहीं दिया और दो विकेट ले लिया अपनी टीम के लिए। आयुष्कार शून्य का चश्मा पहनकर फिर से पवेलियन लौटते हुए। आखिरी तीन गेंदों का जो है इनिंग बची है, देखते हैं आखिरी तीन गेंदों में क्या होता है। विकी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए विजय के लिए। एक और डॉट बॉल, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विकी अपनी टीम के लिए, कोई रन नहीं दिया अभी तक,
दो विकेट भी ले लिए, देखना है ये मैडन विकेट ओवर होता है कि नहीं। काफी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे विक्की अपनी टीम के लिए। विक्की तुषार के लिए, ये बार देखना है दो रन पूरे होते हुए। देखना है आखिरी गेंद पर क्या होता है। काफी अच्छी गेंदबाजी की है विक्की ने, अभी तक सिर्फ दो रन खर्च किए हैं और दो विकेट लिए हैं। काफी नवी तुली बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे विक्की अपनी टीम के लिए। तुषार के लिए, और आखिरी गेंद पर भी विकेट मिलता हुआ, तीन विकेट लेकर सिर्फ दो रन दिए हैं विक्की ने। काफी अच्छी गेंदबाजी की है डेथ ओवर में, देखना है कितने की चुनौती दिए। यहाँ पे कुल रन बने 22 और दो रन पेनल्टी के ऐड किए जा रहे हैं, तो रन हुए 24, 25 का टारगेट है। अगली दोनों ही टीमों को टॉस के लिए आना है। अर्नव स्पोर्ट्स और समीर स्पोर्ट्स दोनों आ चुके हैं, हमारे बीच केजू है। केजू आपको टॉस के लिए आना है। जारा स्पोर्ट्स के जो है प्रोप्राइटर है, काफी अच्छे बल्ले और टी शर्ट्स जो है उनकी शॉप पर अवेलेबल है। तो एमजे स्पोर्ट्स के सामने जो टारगेट है वो 25 रनों का टारगेट है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है एमजे के सभी गेंदबाजों ने, कमाल की गेंदबाजी की है। आर्यन 11 भादोल ने जो रन बनाया 22 और दो रनों का जो पेनल्टी दिया गया था एमजे स्पोर्ट्स को वो ऐड कर 24 रन हुए और जो टारगेट है वो 25 रनों का टारगेट है। अगली मैच के लिए आर्नो स्पोर्ट्स ने जो है टॉस जीती है और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। ओपनर बल्लेबाज भेजना है एमजे स्पोर्ट्स। तो दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त अशोक वर्मा और उनका साथ देने के लिए इस वक्त चिराग। पिछले मैच में भी अशोक वर्मा ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी।
चिराग और अशोक वर्मा, ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। एम्पायर अब खेल की शुरुआत करानी है। हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर शकील कोटी सर और गोकुल पाटिल सर। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए दीपेश आते हुए, दीपेश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां पर चिराग पाटिल। पहली गेंद वहां चॉप करने की कोशिश की, बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी लाइन पर यह गेंद रही थी जहां पर बल्लेबाज चॉप करना चाहते थे इस गेंद को। वहां चिराग डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज दीपेश ने। जो टारगेट है एमजे स्पोर्ट्स के सामने वो 25 रनों का टारगेट रखा है आर्यन इलेवन भादौड़ ने। आज बल्लेबाजी इस प्रकार की देखने को नहीं मिली आर्यन इलेवन भादौड़ द्वारा। इस बार स्विच हिट लगा है इस गेंद के ऊपर, देखना है वहां खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। खाता खुलता हुआ बल्लेबाज का और टीम का। एफए ट्रॉफी ऑर्गेनाइज बाय स्टार चैलेंजर्स, प्रेजेंट बाय फाइक अंसारी, रसम मोमिन, इस बार देखना है वहां पर कवर में इस गेंद को ढकेल दिया अशोक ने, थोड़ा सा फंबल होता हुआ दूसरे के लिए पलट चुके हैं दोनों बल्लेबाज। दो रन आएंगे इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब दो रनों की मदद से आगे पहुंचता हुआ एमजे स्पोर्ट्स का तीन रन। इस बार नो बॉल का इशारा आता हुआ है, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर रही लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए वहां दोनों बल्लेबाजों को। 1+1 टू रन, दो रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। इस बार दिशाहीन गेंद की वहां पर गेंदबाज ने, नो बॉल कर बैठे। देखिए आपके पास उतने रन है ही नहीं कि आप इस तरह से गेंदबाजी करें। आज के दिन का ये छठा मुकाबला हम देख रहे हैं एमजे स्पोर्ट्स और आर्यन इलेवन भादौड़ के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। इस टूर्नामेंट का ये पहला ही दिन है एफए ट्रॉफी। इस बार शॉर्ट गेंद वहां पर, देखना पुल किया इस गेंद को, टीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है, फ्री हिट गेंद रही थी वहां पर, कोई नुकसान नहीं हुआ एमजे स्पोर्ट्स का और एक रन आया इस गेंद के ऊपर। हालांकि कैच वहां पर जरूर अच्छा पकड़ा गया है लेकिन पिछली गेंद नो बॉल रही थी दीपेश की, वही कारण था कि इस बार बल्लेबाज आउट नहीं हुए है। आर्यन इलेवन भादौड़ शंकर जुकर फैम टीम है। अलॉन्ग द कार्पेट इस गेंद को खेल दिया वहां पर और तेज कदमों के साथ पहला रन पूरा करते हुए वहां दोनों बल्लेबाज शंकर जुकर जी हमारे बीच में मौजूद भी है। आपसे निवेदन है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। बोल्ट पारी यहां पर समाप्त होती हुई और पहला विकेट गिरा इस वक्त चिराग के रूप में। तो चिराग इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए, शंकर जुकर जी आपको फाइक अंसारी हमारे वीआईपी डाइस पे बुला रहे हैं। आर्यन इलेवन भादौड़ के स्पॉन्सर शंकर जुकर जी,
ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 7। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है दीपेश द्वारा, जहां पर एक विकेट भी हासिल किया और 7 रन खर्च किए उन्होंने। अब यहां से जो रन चाहिए 18 रन चाहिए, जबकि गेंदें भी बची हुई 18। 3 ओवर में अब यहां से और 18 रन बनाने हैं एमजे स्पोर्ट्स को। गेंदबाजी में अब दूसरे ओवर में बुलाया गया गेंदबाज हरीश। पहली गेंद वहां पर हरीश की, देखना है बहुत बढ़िया गेंद रही वहां पर हरीश की। हरीश मालवकर जो बाली ट्रॉफी के बेस्ट गेंदबाज रह चुके हैं ग्रामीण फॉर्मेट से, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी बाली ट्रॉफी में भी हरीश ने। और उसी बीच वहां पर देखना है मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती हुई, रन के लिए अब जाकर निकले और देखना है 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। गेंदबाज हरीश तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद डॉट गेंद रही उसके बाद दूसरी गेंद पर 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। हरीश मलावकर केंद्रीय राज्य मंत्री चषक में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही थी उनकी और बाली ट्रॉफी के तो बेस्ट बॉलर रहे थे ग्रामीण फॉर्मेट के। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहां पर और विकेटों के सामने पाए गए वहां पर अशोक वर्मा। दूसरा विकेट इस वक्त गिरता हुआ एमजे स्पोर्ट्स का। अशोक वर्मा जो पिछले मैच के हीरो रहे थे इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 5 रन बनाकर वापस लौटते हुए। तो बहुत बढ़िया ओवर यहां पर हरीश मलावकर का घटता हुआ। नए बल्लेबाज अब विकी आते हुए, जबकि अशोक इस वक्त आउट होकर वापस गए। नए बल्लेबाज विक्की है नॉन स्ट्राइक पर, जो बल्लेबाज है विजय। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 2 विकेट गंवाने के बाद 9 रन। चिराग पटेल और अशोक वर्मा ये दो बल्लेबाज आउट होकर वापस गए, लेकिन इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है हरीश द्वारा। नए बल्लेबाज अब विक्की आए हैं। हरीश की ये गेंद वहां पर बहुत बढ़िया गेंद एक बार फिर से रही है, ऑन साइड में खींचने की कोशिश की थी उस गेंद को वहां बल्लेबाज विक्की ने, लेकिन कमाल की गेंद वहां पर रही है हरीश की, डॉट गेंद ये होती हुई। कम टोटल में जिस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए उसी तरह की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है आर्यन 11 भादौड़ की गेंदबाजी द्वारा, जिस तरह से पहले ओवर में दीपेश ने गेंदबाजी की और इस ओवर में हम देख रहे हैं हरीश कर रहे गेंदबाजी। इस बार गति परिवर्तन कराया वहां पर, बल्लेबाज को फंसाया इस बार और कामयाब भी हुए। तो बहुत ही बढ़िया ओवर यहां पर घटता हुआ इस वक्त हरीश मलावकर का, जहां पर सिर्फ 2 रन खर्च किए और एक विकेट भी हासिल किया उन्होंने। हरीश इस बार देखना है वहां पर फुल किया इस गेंद को और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ विक्की के बल्ले से, सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 15 रनों पर। दो ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 15, अब यहां से 10 रनों की और जरूरत है। 12 गेंदे और 10 रन, 5 गेंदे बहुत बढ़िया की थी वहां पर हरीश ने, लेकिन जो लास्ट गेंद रही थी बहुत पहले गेंद को रख दिया था वहां गेंदबाज ने और बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज विक्की ने।
गेंदबाजी में अब तीसरे ओवर में बुलाया गया गेंदबाज प्रदीप गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रदीप सामना करें वहां बल्लेबाज विजय इस बार देखना है वहां पर छोड़ दिया इस गेंद को और सही फैसला वहां रहा है वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज प्रदीप ने एक रन और जोड़ता हुआ MG स्पोर्ट्स के खाते में स्कोर अब 16 रनों पर जा पहुंचा है 9 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए MG स्पोर्ट्स को राजस्ट्रोक वहां पर अलोंग द कारपेट लगान की दिशा में इस गेंद को खेला है बहुत बढ़िया फील्डिंग होती हुई वहां पर लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से मिडल किया था उस गेंद को वहां बल्लेबाज विजय ने इस बार देखना है वहां पर कॉपी बुक स्टाइल में इस गेंद को ढकेल दिया है कवर की दिशा में वहां बल्लेबाज ने सेंसिबल क्रिकेट इस वक्त देखने को मिल रहा है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा क्योंकि जानते हैं इक्वेशन अब थोड़ा सा आसान हो चुका है तो नीचे बैकलिप से ही अब बल्लेबाजी कर रहे विजय और विक्की 7 रनों की और जरूरत है यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए इस बार देखना है वहां पर बॉलर बैक ड्राइव खेला इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज विजय ने डॉट गेंद ये होती भी 9 गेंदे और 7 रनों की जरूरत है अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए पिछली गेंद बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर पुलर लेंथ की गेंद रही थी जहां पर बल्लेबाज स्ट्रेट ड्राइव लगाना चाहते थे उस गेंद के ऊपर एक बार फिर से देखना है लगान की दिशा में इस गेंद को खेल दिया वहां पर लगान पर जो खिलाड़ी खड़े वो बहुत बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को स्कोर अभी एक रन की मदद से 19 पर जा पहुंचा है 8 गेंदे और 6 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए आप देख रहे हैं एफए ट्रॉफी 2022 जिसे आप तक लेकर आए हैं फाइक अंसारी और रसम मोमिन लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर ऑन साइड में मोड़ दिया इस गेंद को एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर हालांकि फुल टॉस गेंद थी उसके ऊपर बल्लेबाज चाहते तो बड़ा हिट लगा सकते थे लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे ही इक्वेशन थोड़ा सा आसान हुआ है अब नीचे बैकलिप से ही बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज एम्पायर शकील कोटी सर एक गेंद बची हुई है और एक गेंद और बची हुई है एक बॉल और है बाकी है पहली गेंद जो थी वो वाइट गेंद रही थी बीस रन हुए अब यहां से 5 रन आना चाहिए 7 गेंदे और 5 रन प्रदीप एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर विजय होल की और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है MG स्पोर्ट्स ने हार्ड लग आर्यन 11 भादोला हार्ड लग शंकर जुकर जी देखिए मजर खान ये साल में पहली बार ऐसा हुआ है
कि एमजे स्पोर्ट दूसरा मुकाबला जीती है। आपको याद होगा अंजुमन ट्रॉफी में जब एक बॉल पे दो रन चाहिए थे संयुक्त के सामने, कैच हवा में था लेकिन छूट गया था अक्षय से। कम से कम सातवां टूर्नामेंट खेल दिए, पहला राउंड हमेशा जीतती थी एमजे, लेकिन आज जाकर अपनी किस्मत को बदला उन्होंने और दूसरे मैच को जीत कर अब तीसरे में कदम रखने जा रही है। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है विक्की